नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आप सभी को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल वेरियस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से। सो दोस्तों, इनमें 1 जून को बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। बहुत सारे एग्जाम की जो अब एग्जाम पेंडिंग्स थे उनकी जो डेट्स है, रिवाइज डेट्स SSC ने अपडेट की है, वो 1 जून को अपडेट किए दोस्तों। तो हम वन बाय वन यही देखेंगे कि उनकी रिवाइज एग्जाम डेट्स क्या है जो SSC ने जारी की है अपने वेबसाइट पे। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है उसमें मेंशन कर दिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यू ऑन 1 जून द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक विद अ व्यू टू रीशेड्यूलिंग इट्स पेंडिंग एग्जामिनेशन टेकिंग इन टू अकाउंट द ओवरऑल सिचुएशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अनाउंस टेंटेटिव डेट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। सबसे पहले दोस्तों, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो 10+2 का Level 1 2019 का जो Tier 1 होगा वो 17 अगस्त से 21 अगस्त और उसके बाद 24 अगस्त से 27 अगस्त तक हो सकता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन Paper 1 वो 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो एग्जाम होती है जिसका ये Phase 8 होगा 2020 में जो Phase 8 होने वाला है वो 7 सितंबर से 9 सितंबर। उसके बाद स्टेनोग्राफर Grade C एंड Grade D का भी एग्जामिनेशन होता है वो 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस के लिए होता है जिसे हम CAPF एग्जामिनेशन कहते हैं उसका Paper 1 2020 का दोस्तों 29 सितंबर से 1 अक्टूबर और उसके बाद 5 अक्टूबर को वो होगा। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन जिसका Paper 1 2020 का है वो 6 अक्टूबर को होगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल Tier 2 का जो 2019 का एग्जाम होना बाकी था वो 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद दोस्तों, द अबो शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। तो ये जो शेड्यूल बनाया गया है दोस्तों, वो अभी के जो गाइडलाइंस इशू किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो डेट्स से वो रिवाइज की गई है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में यदि कुछ सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है तो ये एग्जाम डेट्स भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। इसलिए कैंडिडेट्स को उन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट्स ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द फर्दर अपडेट्स। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होगी कि यहाँ पे जो रिवाइज डेट्स अपडेट किए गए हैं तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन पे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक बार डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी तो कभी कभी जल्दी में भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। सो दोस्तों, आज में इतना ही अपडेट आपको पास मेरे पास है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।